हेलो गाइस, ट्रेडिंग सिग्नल्स के एक नए लर्निंग वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शो करने वाला हूं जुलाई मंथ का। और इस मंथ में मैंने ज़्यादा ट्रेड नहीं किया था, मैंने 19 जुलाई से ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। सो ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट सिर्फ 10 डेज़ का है, 19 ऑफ जुलाई टू 29th ऑफ जुलाई। ओके, और अराउंड मैंने 80 to 90,000 कैपिटल डिप्लॉय किया था, और मैं सिर्फ ऑप्शंस में मैंने वर्क किया है, वो पर्टिकुलरली स्टॉक ऑप्शन में मैंने वर्क किया है। सो आपको मैं दिखाता हूँ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, आखिरकार कितना प्रॉफिट हुआ है। सो रिपोर्ट्स पे क्लिक करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट। मैं आप स्टॉक्स प्रेफरेबली यूज़ करता हूँ ट्रेडिंग के पर्पज़ के लिए। आखिर जीरोदा में भी मैं ट्रेड करता हूँ, एंजल में भी मैं ट्रेड करता हूँ, बट प्रेफरेबली मैं आप स्टॉक्स में ही ज़्यादा ट्रेड लेता हूँ। तो इक्विटीज में ज़्यादा वर्क नहीं करता गाइस, मैं सिर्फ ऑप्शंस में ही ट्रेड करता हूँ, और स्टॉक ऑप्शन में, बैंक निफ्टी निफ्टी में बिल्कुल भी मैं ट्रेड नहीं करता। एक्सपायरी में जब मोमेंट आती है तब भी मैं ट्रेड लेता हूँ बैंक निफ्टी के, अदरवाइज मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता है बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करना। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, हाँ, दिस फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम डेट 19 अप्रैल हो गए, ये तो 19 जुलाई, टिल डेट 29th जुलाई। सो गाइस, आप देख सकते हैं कितना प्रॉफिट हुआ है। सो इस मंथ में मेरे को प्रॉफिट हुआ है 30,000 ग्रॉस प्रॉफिट, और चार्जेस ब्रोकरेज वगैरह सब कट करके जेब में आए हैं 35,000। सो गाइस, बहुत ही अच्छा रिटर्न है 90 के कैपिटल पे। सो आप जब अपने ट्रेडिंग में डिसिप्लिन मेंटेन करते हो, डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हो, सो पॉसिबल है ऑप्शंस में पैसे कमाना। सो गाइस, मैं जल्दी ही एक स्ट्रेटजी आपको, मैं स्टॉक ऑप्शन की स्ट्रेटजी में शेयर करूंगा 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पर। सो आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करो, आपके फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ सब शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।